जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मेरा नाम राजेश बुलकर है। मैं फेसबुक पर, मेरा अकाउंट भी है फेसबुक पर, आप फ्रेंड भी हूँ, और यूट्यूब पर मेरा एक न्यूज़ चैनल भी चलता है जो बहुजन समाज के लिए चलता है। दोस्तों, आज मेरी जो लोकेशन है प्रेजेंट की, मैं आपको हर दिन, हर घंटे, हर दो घंटे के अंदर आपको अपडेट दे रहा हूँ। दोस्तों, SC ST एक्ट को लेकर के भारत बंद 2 अप्रैल यानी कल का वो दिन। दोस्तों, बता देना चाहता हूँ, आज भी जो हमारी लोकेशन है, जिसको क्या बोलते हैं, वेनाड रोड और रेगर धर्मशाला, उसमें एक बहुत बड़ी सामूहिक मीटिंग जो SC और ST को लेकर के हुई है। बता देना चाहता हूँ मैं, कल की इन लोगों ने रणनीति बनाई है, बढ़िया तरीके से ये रोडों पे आ रहे हैं, बहुत काफ़ी आक्रोश है। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि ये जो मीटिंग करी थी वो किस संदर्भ में, किस तरीके से आप इसको सफल बनाने के लिए कर रहे हैं? सर, 2 तारीख को जो प्रोग्राम रखा गया है बाबा साहब के नाम पे, इन लोगों ने राजनीतिक सत्ता को हत्या है। हम उसी सत्ता को जड़ से उखाड़ने के लिए तत्पर हैं। और 2 तारीख को जो इन्होंने एट्रोसिटी एक्ट 1989 को इन्होंने पूर्ण तरह पंगु बना दिया है, जिसको नामात्र साबित किया है, हम उसी को वापस एक बार संसद के झंडे के ऊपर गाड़ देंगे और एक साथ सब बोलेंगे जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। आपका जो यहाँ का रहेगा, मतलब देखा जाता है कि हमेशा जब भी किसी गुजर ने आंदोलन कराया या जाट ने आंदोलन कराया या किसी भी समाज ने आंदोलन कराया, तो अगर भारत बंद होता है तो आपकी नज़र में भारत बंद कहाँ से होता है? सर, भारत बंद हम जो भी मुख्य मार्ग और जो भी मुख्य मार्ग है, हाईवे और जो मुख्य सड़कें हैं, उनको पूर्णतः जाम कर देंगे, रेल की पटरियों को जाम कर देंगे और इस भारत बंद को सफल बनाएंगे। आप लोगों के, सब लोगों की धारणा भी होती है, और मैं करीब करीब जानता हूँ कि दलित समाज जो शोषित समाज है वो सिर्फ संविधान के पीछे चल रहा है, तो आप लोग इस संविधानिक दायरे में करने वाले हो या कहीं ना कहीं आप भारतवर्ष को नुकसान पहुंचाने वाले हो? सर, ये हम संविधान के अंतर्गत ही कार्य करेंगे और संविधान के किसी भी अनुच्छेद एवं धारा का उल्लंघन नहीं करेंगे। एवं बाबा, ये हमारे एक तरफ पूजनीय पिताजी ने हमारे लिए एक तरह से संविधान बनाया, हम उनका सर आंखों पे रख के सम्मान करते हैं और इसी के अंतर्गत हम प्रतिज्ञाबद्ध हैं कि हम इसी के अंतर्गत शांतिपूर्वक तरीके से इस कार्य को और भारत बंद को अंजाम देंगे। आपका नाम क्या है वैसे? सर, मनीष कुमार। मनीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने थोड़ा बहुत जो भी हमें टाइम दिया है। मैं भी आपके लिए धम्म कामनाएं करता हूँ कि कल का भारत बंद आपके लिए।